सोची तो जोंडर की सोची एक बार लाने की, अच्छा बस 4x4 में ही। पब्लिक गर्दा काटे डोल है जी के, जी आईसर के ट्रैक्टर या स्वराज के या सोनाली का, वो ज्यादा दमदार है। तो ले आओ टोचन करवा लो। ये चीज है जोंडर की, ये खासियत बहुत पसंद आवे है कि ये दबता ना, रूटर की गहराई चेक करो आप। ये देखो, ये देखोगे अब दूसरे में लग गया, टू में करियो, ये अब टू व्हील ड्राइव में। कितनी मट्टी भर रही है, बिल्कुल अंदर पहुंच गया रूटावेटर। मिला है जॉन डियर का 50-50D 4 व्हील ड्राइव मॉडल है भाई। इस ट्रैक्टर की पावर दिखाऊंगा आज, 7 फीट के रूटावेटर पे दोनों लीवर फुल डाल के चलाएंगे, ताकत देखेंगे कैसी निकाले यू। और 4 व्हील ड्राइव पे भी चलाएंगे और 2 व्हील ड्राइव पे भी। तो भी अभी लेके आए हैं हाल फिलहाल ये इस ट्रैक्टर को, तो भी इनसे भी मिलाते हैं भाई कैसे कैसे विचार बना इस ट्रैक्टर खरीदने का। वैसे तो भी जॉन डियर का 50-50D जो मॉडल है काफ़ी फेमस है, अपने जो भाई नीशु देसवाल भाई हैं वो भी भाई इस ट्रैक्टर को रखे हैं, और टूचन किंग मानियो इसे, टूचन में बहुत तगड़ा काम करा ये ट्रैक्टर। तो भी अभी इनसे मिलवाना चाहूँगा। अच्छा नमस्कार भैया। नमस्कार जी, एक बार नाम पता बताओ जी। कुलदीप कुमार, गांव बुगरासी। बुगरासी, अच्छा ट्रैक्टर की बताओगे, जॉन डियर पर शिफ्ट होने का विचार कैसे बनाया इसे खरीदने का? इसका खरीदने का विचार जैसे दिवाली आती जाएगी धोरे को, ऐसे ऐसे इसका विचार बनता चला गया। अच्छा, जैसे दिवाली ढोरे को आई ऐसे ही विचार बनता चला, चलागा जॉन डियर ही लाना है। जॉन डियर ही लाना है या इससे पहले और भी ट्रैक्टर खरीदने की मन में होगी? नहीं, और सोची तो जॉन डियर की सोची एक बार लाने की। अच्छा, बस 4x4 में ही। इससे पहले कौन सा चला रहे? इससे पहले मैं 41 2000 मॉडल। 41 चला रहे, तो तुम तो एक संग 10 HP कूद गए एकदम झटके पे। बिल्कुल, हैकड़ी के साथ। हैकड़ी के साथ है, तो पहले रूटावेटर हाथ तुम पे घर पे? नहीं पहले ना। हाँ, वो चलाता ना होगा रूटावेटर इतना बढ़िया अगर होगा। अच्छा, तो रूटावेटर भी संगी ले आए इसके ही? इसके गैल ले आ गए भाई। रूटावेटर जो लिया है वो भी साथ ही लिया है कंपनी जॉन डियर वाली कंपनी का ही। ये देखो भाई, ग्रीन कलर का, ग्रीन का ही ट्रैक्टर और ग्रीन का ही रूटावेटर। ये देखो भाई, पीछे वाले इसमें 14 के टायर हैं और आगे वाले 9-5-20 के। अच्छा यूँ बता, मैं तेल का खर्चा बड़ा लेता कहीं, ये जॉन डियर तो ऐसा कुछ दिखाई दिया जी? नहीं जी, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई दिया ना है। अच्छा, जितना लोड डालोगे हाँ इतना ही थोड़ा तेल फालतू लेता। दम कैसा दिखा रहा है? दम का दी मजे का, मजे का। चलो दम तो अभी देख भी लेंगे। जैसे पब्लिक गर्दा काटे डोल है जी के, जी आईसर के ट्रैक्टर या स्वराज के या सोनाली का, वो ज्यादा दमदार है। तो ले आओ टोचन करवा लो। अच्छा, टोचन पे भी लदा हो रहे? नहीं ना, टोचन में तो ये मामला है कड़ा इस ट्रैक्टर का। तो बस टोचन करवा लो। हाँ, क्योंकि इसकी टोचन पे एक नीशु देसवाल, उनका चैनल देखा होगा, उन पे ट्रैक्टर है। हाँ, 50-50D भाई उन्होंने बना रखा है ट्रैक्टर, बहुत मजेदार। और इससे ही टोचन करे, कहीं उन्हें ही तो देख के ना लाए इस ट्रैक्टर को। और मन बना था तो इसका 50-50D का ही बनाया, और किसी ट्रैक्टर पे जैसे 50D का जॉन डियर का ही? जॉन डियर का ही। अच्छा, तो ये थोड़ा सा महंगा भी पड़ा है जी और ट्रैक्टर से, है ना? हाँ, पर मजा भी दे। मजा करते पूरा फुल। अच्छा, पूरा फुल मजा दे रहा। मजा करते। किस किस चीज पे चलाया यू? ये अभी तक तो फिलहाल रूटावेटर टेलर पे चला हुआ है। टेलर पे भी हाड़ी ना खावे तनक भी? अच्छा, कितने का टेलर है? 9 का होगा टेलर तुम पे? ना 7 का। 7 का ना? 9 का। हाँ, 9 का। 9 के पे कहाँ दबे यार, 9 के पे दबेगा। चलाएंगे 11 के पे भी चलाएंगे, अभी 11 के उसे बदलेंगे या उसमें बढ़वाएंगे फाले। हाँ, या तो फाले बढ़वाओ या वही बदल लो, जब भी मजा आएगा। नहीं, 9 के पे तो दबेगा ही ना। बाकी भी ट्रैक्टर देखो काफी दमदार, और अभी हमने एक फेरा लगवाया अभी, ये दोनों लीवर फुल डाउन करा के फिर चलवा के दिखाएंगे। तो ये लो हाई है, लो मीडियम हाई है यू? ये ए और बी आर है। अच्छा, ए बी आर मतलब एक रिवर्स का है इसमें, मतलब लो हाई वाला मॉडल है भाई, साइड शिफ्ट गियर के साथ। 25 साल हो गए भी जॉन डियर को अपने इंडिया में काम करते करते, तो यहाँ पे भी इन्होंने एक टैग लगा के दिया है। बम्पर साथ ही मिला जी? बम्पर साथ ही मिला। ये ऊपर वाला तुमने अलग से लगवाया? हाँ, ऊपर वाला अपने उससे लगवाया था। बम्पर ये देख लो, फ्रंट से काफी शानदार लुक आ रही है ट्रैक्टर की। तो छतरी ना मिली साथ में इसके? छतरी मिली, खोल कर रख दी घर। अच्छा, हाँ पेड़ वेड़ों में अटक गए जैसे। हाँ, बाग बहुत है, काम ज्यादा बाग का काम। हाँ, बाग का काम ज्यादा है। अच्छा, तो इसे तुम हमें पहले गियर में, और RPM रखी हो तुम 1600। अच्छा, ठीक है। और दोनों लीवर रखने फुल डाउन, ठीक है, लीवर नहीं छेड़ने, लीवर नोके नोके रहेंगे। हाँ, फिर ताकत देखेंगे भी कैसी ताकत लगा रहा। करो स्टार्ट।
भाई स्टार्ट करा रहे हैं आरपीएम 1600। आरपीएम सेट कर लो पहले, देखो 1600 आरपीएम पहले के लो में चलाइयो, पहले के लो में, पहले के लो में दोनों लीवर फुल डाउन, ये देखो, और रोटावेटर देख लो भी कितना बैठ गया नीचे। वाह पर जॉन डियर में ये कमाल की खासियत तो है कि पीटीओ पावर जो ट्रैक्टरों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा आवे है, तो ये दबने का नाम ना लेता। देखो पहले गियर में दोनों लीवर फुल डाउन है, लेकिन ट्रैक्टर कहीं से टस से मस ना हो रहा, ये तो दबाई ना भैया। ये दिखाओ मैं आरपीएम, देखो भी आरपीएम, बहुत पसंद आवे है कि ये दबता ना, रूटर की गहराई चेक करो आप, ये देख लो वह काफी शानदार, वाकई गजब काम कर रहा है। दूसरे गियर में लगाइयो, ये देखो भी अब दूसरे में लग गया भाई, यू ना दब रहा कहीं से कहीं तक। तो 50-50 डी वाकई काबिले तारीफ ट्रैक्टर है, और आप काम करता देख लो अब दूसरे गियर में चाल कितनी बन गई इस ट्रैक्टर की और कैसा काम कर रहा। टू में करियो भाई, टू व्हील ड्राइव में करा लिया आपने, ये अब टू व्हील ड्राइव में है, तो दबाई था ये ना दबे भी कहीं से कहीं तक, ये देखो रोक लो, बंद कर लो भाई, तो दबे ही ना है, ना दबे हैं? तो रूटा बेटर 8 फुट लेना चाहिए तुम्हें, 8 फुट लेंगे से, अब ले लिया थे इसे सिर्फ 1 साल चलाएंगे, हाँ 8 फुट रूटर लेगा ऐसा है ना, देखो शक्तिमान की इस पे तो कोई फर्क ही ना पड़ रहा ट्रैक्टर पे 7 फिट का, तो क्योंकि दोनों लीवर फुल डाउन भाई, गहराई भी चेक कराऊं मैं, ये देखो कितनी मट्टी भर रही है, बिल्कुल अंदर पहुंच गया रोटावेटर, और काफ़ी तगड़े तरीके से लगा के चला रहे हैं भाई, फिर भी ट्रैक्टर ने यूँ कह दी कि दबू ना कहीं से कहीं तक भी, तो यही वजह है कि तुमने जॉन डियर लिया, जॉन डियर के यही वजह है, हैं यही वजह है। अच्छा ये काम और ट्रैक्टर ना कर पाता ऐसे बढ़िया हमारे दिमाग से, जैसे तुम्हारा पहला आईसर लेने का भी माना तुम पहले बता रहे वीडियो उसके से पहले। नहीं आईसर के, अच्छा क्या बात हुई तुम्हारी आईसर वालों से? आईसर वालों से बात हुई तो वो भाई खेतों पे आए थे, हाँ कि आओ अपना ट्रैक्टर ले जाओ, हाँ हमने कि हमारा मन बदल रहा है, अच्छा हमने बुक करा हुआ है कैंसिल करी, अच्छा जाकर फिर कैंसिल करके तब लिया जॉन डियर, कैंसिल करके फिर थाली अब जॉन डियर 4x4 लाना है, लाना है अच्छा, फिर 4x4 जॉन डियर लेगा खास दिवाली वाले दिन। कितने रुपए में पड़ा है कुछ जानकारी हो? ये पड़ा है रूटर सहित 10,80,000 में, 10-80 में रूटर वेटर सहित है, सही है। तो ना वैसे 50-50 डी है भी बढ़िया, इसकी मार्केट भी है, रिसेल वैल्यू भी है ट्रैक्टर की, यूं ना के मानो अब खरीद लिया पुराना होकर बिके ना, पुराना होकर भी भाई काफ़ी बढ़िया रिसेल वैल्यू है। बाकी एक बार देख लो फ्रंट से कुछ ऐसा मामला है ट्रैक्टर का, जो 4-व्हील ड्राइव मैकेनिज्म है ये देखो भाई। अच्छा रोटावेटर पे तो कितनी खैर इतनी जरूरत ना पड़े 4-व्हील ड्राइव के आगे टायरन की, लेकिन जब टिलर चलाते होगे तब जरूरत पड़ती होगी, उस पे पड़ते कल्टीवेटर पे, कल्टीवेटर पे तो वहाँ कैसा दम दिखावे? वहाँ कहते ही नहीं दम, दबने की तो वहाँ भी कोई बात ही नहीं है। अच्छा वहाँ भी ना दबे, गियर वेयर तो आवाज ना करे कुछ नहीं? अच्छा उल्टे सीधे कैसे ही गियर लो, कैसे भी डाल दो, हाँ वही इसमें जो है गियरों का सिस्टम भी और ट्रैक्टरों की अपेक्षा कुछ थोड़ा सा लगा हुआ है, तो गियर भी इसके काफ़ी शानदार लगे, कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स बताती है जॉन डियर इन ट्रैक्टरों में, तो भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिखाया जॉन डियर के 50-50 डी ने 7 फिट रोटावेटर पे, काफ़ी शानदार वीडियो रही। वीडियो को भाई दबा के लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, धन्यवाद।